Hi guys, this is Preeti and welcome back to my channel Preeti Space. As you know, I have changed my channel name और उसका स्टोरी तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं क्यों चेंज करना चाहती हूँ, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है. सो दिस वॉज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो बाय माई व्यूअर्स हु हैज़ वॉच्ड द कीमी स्ट्रेटनर वीडियो एंड फ्यू गर्ल्स आस्क्ड मी कि कैसे स्ट्रेटनर से हम कर्ल कैसे कर सकते हैं. तो ये वीडियो बहुत दिन से मेरा पेंडिंग था, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था और उन्होंने मुझे बोला था कि आप इस पे भी एक वीडियो बनाओ. तो मैं आज वही वीडियो लेकर आई हूँ. मेरे जो इस साइड के बाल हैं ये मैंने स्ट्रेटनर से कर्ल किए हैं, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा कर्ल हुआ है. और ये वाला साइड जो है ये मैंने टोंग रोल जो होता है उससे किए हैं, तो आप खुद देख सकते हो देयर इज़ नो मच डिफरेंस इन दिस. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये है कि अगर आप स्ट्रेटनर से कर रहे हो तो आपको उस स्किल के लिए थोड़ा मास्टर करना पड़ेगा अपने आप को. तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे मैंने स्ट्रेटनर से बाल को कर्ल किया है. दो तरीके से कर सकते हैं. एक तरीका है पेंसिल वाला, जो शायद आपने 5 मिनट क्राफ्ट के हैक में देखा होगा, ब्यूटी हैक्स में. वो पेंसिल से ऐसे करके, वो मैं आपको अभी जस्ट दिखाती हूँ. और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ भी हीट अपने बालों पे यूज़ करने से पहले आप सिरम या हेयर प्रोटेक्टर लगाएं. मैं फ़िलहाल मैट्रिक्स का सिरम लगा रही हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है. और अब मैं पेंसिल को ऐसे टर्न करके आपको उसमें लपेट लेना है, लाइक रोलर ओनली. जैसे हम पहले के ट्रेडिशनल जो रोलर्स होते थे उनको लपेटते थे, वैसे ही पेंसिल में लपेट लेना है. और इसके ऊपर हमको स्ट्रेटनर चला देना है इसके ऊपर, तो वो हीट से रोल हो जाएगा. बट फ्रेंकली स्पीकिंग ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होगा, क्योंकि आपको दोनों हाथ इसमें बिज़ी रहेंगे. और वो जो मतलब अगर घने बाल हो तो आपको ये करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो मुझे नहीं लगता कि ये हैक कुछ ज़्यादा काम करने वाला है. और इसका कर्ल जो है वो मुझे उतना कुछ खास लगा भी नहीं, तो पता नहीं आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा. मुझे तो उतना पसंद नहीं आया ये. और दूसरा जो है वो ये वाला ऑप्शन है, जिसमें आपको ऐसे मतलब टर्न करना होता है. मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो. उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रॉपरली करने में, बट आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा. आप ज़रूर ट्राई करना. अगर आप यही स्ट्रेटनर यूज़ करते हो तो आप ट्राई करना, कोई और स्ट्रेटनर भी आप यूज़ करते हो तो भी आप ट्राई कर सकते हो. ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हेयर स्ट्रेटनर से बाल कर्ल करने का. और मेरे बाल तो छोटे हैं, अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप बहुत अच्छे से मतलब ऐसे वाला कर्ल भी हो जाता है इसमें. रियली बहुत अच्छा लगता है. तो आप उतना सेक्शन ले लो जितना आपको कर्ल करना है, और उसके बाद आपको हेयर स्ट्रेटनर को उसके ऊपर लगा कर उसको पूरा टर्न करना है. अभी मैं बताती हूँ आपको. उसको पूरा घुमा देना है उल्टी तरफ में, और उसको घुमाते हुए ही आपको नीचे लाना पड़ेगा ऐसे टर्न करके. और उसको घुमाते हुए आपको ऐसे, हाँ ऐसे टर्न करके उसको घुमाते हुए आप नीचे लेके आओगे उसको. तो एक साइड से आपके बाल इस तरह से दिखने चाहिए, और उसको आप नीचे जब लेके आओगे तो वो कर्ल का इफेक्ट देगा आपको. ये देखो कितना ब्यूटीफुल कर्ल हुआ है ये. मैं ऐसे ही आपको एक दो बार और करके दिखाती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. और थोड़ा बी केयरफुल, स्ट्रेटनर गर्म होता है तो आपके हाथ जल सकते हैं, तो आपको बहुत केयरफुली ही करना पड़ेगा इसको. अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर यूज़ करते हो तो आप इसको शायद इजीली कर पाओगे. तो अभी मैं आपको और करके दिखाती हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. और अब मैं आपको टोंग रोल से करके दिखाऊंगी तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। टोंग रोल से करने में एक्चुअली ये फ़ायदा होता है कि वो बहुत ज़्यादा इजी होता है यूज़ करने में, मतलब उसमें आपको ऐसे कुछ मोड़ना वोड़ना भी नहीं है, तो वो इजीली आप उससे रोल कर सकते हो। तो बस आपको इस तरह से लगाना है और उसको घुमा देना है और वो इजीली रोल हो जाता है। ये मेरा फिलिप्स का टोंग रोल है जो मैं बहुत ही सालों से यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक मुझे इसको यूज़ करते हुए 7 या 8 ईयर्स हो चुके हैं। इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी चेक कर सकते हो जाके। तो अगर आपके बाल लंबे हैं और आपके पास रोलर है ऑलरेडी तो ये टोंग रोल बहुत अच्छे से रोल करता है लंबे बालों में और काफ़ी देर तक रहता भी है इसका रोल किया हुआ। लाइक मैं करती थी तो 2-2, 3-3 दिन भी मेरे बाल रोल रहते थे इससे। किमी वाले से उतना नहीं रहता है, तो उस चीज़ में मैं डेफिनेटली बोलूँगी उसका एक ड्रॉबैक है कि उससे ना स्ट्रेट ज़्यादा देर रहता है, ना ही उसका रोल किया हुआ ज़्यादा देर रहेगा। तो उस केस में उसमें एक ड्रॉबैक है, बट अगर आपके पास कोई और अच्छा स्ट्रेटनर है तो आप उससे डेफिनेटली रोल कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दे दीजिए और कुछ भी आपको क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ और तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। और चैनल नेम चेंज करने के साथ साथ मैंने एक नया चैनल भी बनाया है जो चार्ली के लिए है, और अगर आप चार्ली को प्यार करते हो, उसको देखना चाहते हो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आज वीडियो के एंड में मैं उसका सब्सक्राइब बटन ऐड कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। और मैं अब इस चैनल पे बहुत ही रेगुलर वीडियोस डालने वाली हूँ, तो कीप वाचिंग एंड थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू गेव मी इन 2019। कीप लविंग, थैंक यू सो मच। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।